ये देख सकते हो, ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ना, ये हॉस्टल से बाहर जाने के लिए रास्ता है। वो जो बिल्डिंग दिख रहा है लेफ्ट में, ये है गर्ल्स हॉस्टल। और अभी यार हाँ, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा CUH का बॉयज़ हॉस्टल कैसा होता है, और उसका अंदर भी दिखाऊंगा और बाहर कैसा है वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखो दिखाता हूँ अभी। और ये देखो, ये है हॉस्टल, ये है PG हॉस्टल, वो भी है PG, लेकिन ये जो हॉस्टल है हम इधर रह रहे हैं, और वो जो है न्यू हॉस्टल है। चलो चलते हैं अंदर। अभी ये देखो, ये रास्ता है गेट से हम लेफ्ट को आए, मतलब ये हॉस्टल जो है ना वो सीमेट्री से बना है, इधर लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ, मतलब सीमेट्री में ही सब कुछ है, लेकिन हमारे रूम जाने के लिए लेफ्ट वाला ही पास पड़ता है। और ये देखो लिफ्ट है, लेकिन लिफ्ट चालू नहीं है। ये है हॉस्टल का बाहर का नज़ारा। ये हॉस्टल में मतलब दो साइड में, हमारा साइड में ये है काकवागार है, यहाँ से पीने का पानी मिलता है है, और ये है गीजर है। यहाँ पर इतना ठंड है कि बिना गीजर पानी के आप नहा नहीं सकते हो। और ये है टॉयलेट है, कुछ ऐसा देख लो, कोई है तो नहीं ना। हाँ ये देख लो, कुछ ऐसा होता है, बस कुछ ऐसा होता है। तो ये है हमारा रूम नंबर 210, और ये देख सकते हो एक रूम में तीन जन को अलाउ है, तीन बेड है। और ये है मेरा दोस्त का, ये है मेरा और एक दोस्त का। मैं जो बोला ना कि रूम करूँगा, तो ये सारे बुक इकट्ठा करके यहाँ पर रख दिया। ऐसा कुछ मिलता है, तीन बेड मिलता है। और ये है मेरा बेड, ये जय जगन्नाथ दर्शन कर लो। ये मेरा लैपटॉप, मेरा बुक वगैरह। और तीन ड्रॉ मिलता है, एक है ये, एक है और ये, एक है, तीन ड्रॉ मिलता है। अरे क्या अच्छा सा चेयर मिल जाता है, ये देख लो अच्छा चेयर है, गद्दा वाला चेयर मिलता है। और ये है एक, तीनों को एक मतलब रैक मिलता है, तीन जन हो गए ना इसमें, तीन जन के लिए तीन रैक होता है, तो ये देख लो। इसके बाद ये देखो, ये है बाहर का व्यू, और सबको एक बालकनी मिलता है, ये एक बालकनी है ठीक है। और ये देखो, ये है हाँ, और ये देख लो कुछ ऐसा है, बाहर से व्यू ऐसा दिखता है, ऐसा होता है कुछ, बस यही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में ऐसा ही रूम मिलता है, एक रूम में तीन जन होते हैं। और हमने आपको दिखा दिया कि क्या क्या मिलता है, और आपको सामान लेके आना है ठीक है। देखो अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्टल की जिम आपको दिखाने के लिए, ये फर्स्ट फ्लोर में है। ये टिट्टी खेलने के लिए एक है, और वो जिम का मशीन, साइकिल है, और ये ट्रेडमिल। ये मेरे को पता नहीं ये क्या क्या है, लेकिन जो है वही है, अब देख लो।
और ये देखो ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये है कैफेटेरिया कैंटीन। वहाँ पर सब कुछ है, वहाँ पर कॉफ़ी टी मैगी वगैरह सब कुछ मिलता है। वहाँ पर तो शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है। और उसके साइड में भी एक जेरॉक्स प्रिंटआउट के लिए एक दुकान है, वहाँ पर हमारा सब काम चल जाता है। और ये देखो जो सामने है ना, ये एक लेडीज हॉस्टल है, और उसके सामने जो है वो एक लेडीज हॉस्टल है, मतलब ये दो लेडीज हॉस्टल है। और ये देखो ये है रूम, ये जो रास्ता है ना वो चलता है वहाँ पर, ये जो रोड है वो चलता है, मतलब हम यूनिवर्सिटी जाने के लिए इसी रास्ते से चलते हैं। और जो सीधा एक रास्ता है ना, ये जो सीधा जो रास्ता जो आ रहा है वहाँ पर भी कनेक्टिंग है, मतलब गेट नंबर टू जाने के लिए ये भी कनेक्टिंग है, ये भी कनेक्टिंग है, मतलब राउंड सा एक रोड है। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ हॉस्टल का दूसरे साइड का नज़ारा, ये फिर से देख लो। वो जो बिल्डिंग दिख रहा है ना वो शायद इंजीनियरिंग वालों का है, वो लास्ट वाला। और ये जो है शायद ये ऑडिटोरियम है, ये ऑडिटोरियम है हाँ। और सबके ऊपर सोलार सेल लगा हुआ है, अच्छी बात है। वो जो सामने दिख रहा है ना, ये है न्यू हॉस्टल, जिसमें कि शायद कोई बच्चे अभी एडमिटेड नहीं है, लेकिन जो भी है सिर्फ पीजी पे जो भी है इसी हॉस्टल पर है। और ये जो हॉस्टल है वो शायद जब कॉलेज फुली फ्लेज में खुलेगा तभी शायद ओपन होगा, अभी तो नहीं खुला है। और ये देखो यार सीवेज का मौसम इतना अच्छा क्यों है, हमारा जो अकॉर्डिंग ब्लॉक्स है ना जहाँ पर हमारा क्लास होता है वही भी दिख रहा है यहाँ से, वो दिख रहा है देखो, अच्छा है। और ये देखो वहाँ पर एक बिल्डिंग होता है, हो रहा है शायद वार्डन क्वार्टर वगैरह कुछ। ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ना, ये है गेट नंबर वन के बस, मतलब यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, लेकिन यहाँ से पूरा क्लियर दिख रहा है। आज सीवेज का मौसम बहुत अच्छा है। बस यही हॉस्टल का सब कुछ दिखा दिया, और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। और ये जो पता नहीं कैमरा में आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वो जो पहाड़ दिख रहा है ना वो है आरावली रेंज, मतलब यहाँ से यू विल गेट ए ग्लिम्स ऑफ आरावली हिल्स। 250 रूम है शायद, 250 रूम है ना, उस साइड रूम है, उसका जो फ्रंट है मतलब जिसके ऊपर हम खड़े हैं उस साइड भी ऐसा ही कुछ रूम है, सिमेट्री में बना है हॉस्टल। ये देख लो एक रूम में 3 बंदे होते हैं, तो 250 रूम मतलब 750 बच्चे रहते हैं एक हॉस्टल में, अप्रोक्सीमेट में बोल रहा हूँ, 250 की कितना मेरे को पता नहीं अच्छे से। रूम इंद्रधन ही जी, ये देखो यहाँ से सबसे अच्छा व्यू आ रहा है शायद। और उसमें जहाँ पर खड़ा हूँ उसके नीचे है कैंटीन, और उसके जो जो आगे जो ब्लॉक दिख रहा है ना वहाँ पर एंट्री होता है, और लेफ्ट में ये सब रूम है और राइट में ये सब रूम है, हमारा रूम राइट में है।